सो गाइस, आज मेंस 2023 गुरु इसका खात्मा हो गया है। अब छुट्टी हो गई है और जितने भी लोग पिछले 3 महीने से मेंस के लिए दिन रात तैयार कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था। दिन रात तैयारी मेरी नहीं थी, तो मैं तो ऐसे ही मतलब मजे मजे में साथ में कर भी रहा था। और इट वाज एन आई मीन जर्नी फुल ऑफ जॉय फॉर मी, एंड दिस वॉज माई सेकेंड मेन्स। और मेन्स 2023 का इस साल का अपना जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा रहा, मैं उसको बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे क्रिस्प आपके साथ सबके साथ शेयर करूंगा, ताकि पिछले साल ताकि अगले साल जो जो लोग मेन्स की जो तैयारी कर रहे होंगे 2024 के लिए, जो चाह रहे हैं कि 24 में वो प्रीलिम्स निकाले मेन्स ने, तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कुछ एक ऐसी लर्निंग्स जो मेरे प्रीवियस मेंस से भी थी, और जिन मिस्टेक्स को मैंने इस मेंस में रेक्टिफाई करने की कोशिश की, राइट। तो ओवरऑल देखो, आज ऑप्शनल का पेपर था। मैं ये वीडियो 24 सितंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑप्शनल का पेपर था, ऑप्शनल के दोनों पेपर खत्म हो गए। माय GS1 और GS1 एंड GS2 प्लस एसे, राइट, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी हुई है। आप जा करके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं। मैंने स्पेसिफिकली ये बताया हुआ है कि GS1 और GS2 के आंसर्स मैंने कैसे लिखे हैं, राइट, कि मैंने क्या क्या चीजें उसमें लिखी हुई है। एग्जैक्टली जो जो मैंने एग्जाम में प्रोड्यूस किया हुआ है, उन उन चीजों को मैंने इन दो बड़ी बड़ी वीडियोज में ऑलरेडी बताया हुआ है। ऐसे ही GS3 GS4 के लिए भी, अगर मुझे टाइम लगा, राइट, अगले 4-5 दिन में, तो वो भी आएगी साथ में। और ऑप्शनल का देखो, आज का ऑप्शनल का जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल बढ़िया था। पिछले साल ऑप्शनल में मैंने 20 नंबर का, लगभग 20 नंबर का छोड़ भी दिया था। और पहला पिछले साल का जो पेपर वन है वो कंप्लीट करने के चक्कर में, देखो इस साल मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी इम्प्रूव्ड है, राइट, इट इज मतलब आई होप आपको ये इम्प्रूव्ड समझ आ रहा है कि मैंने इम्प्रूव्ड लिखा हुआ है। पिछले साल नहीं आता, मेरी हैंडराइटिंग पिछले साल बहुत ही ज्यादा खराब थी, इससे भी खराब, तो इस साल थोड़ी तो इम्प्रूव्ड है, राइट। तो जो पेपर वन था पिछले साल, उसमें मैंने कंप्लीट तो किया था अटेम्प्ट, लेकिन कंप्लीट करने के चक्कर में उसकी हैंडराइटिंग जब मैंने लास्ट में देखी तो वो बहुत ही ज्यादा बुरी भी आई हुई थी, और उसमें मुझे 98 मार्क्स मिले। पेपर टू में मैंने पिछले साल 20 नंबर का छोड़ दिया था, हैंडराइटिंग ठीक सी आई, तो उसमें मुझे 112 113 आई थिंक 112 या 113 मार्क्स मिले हुए थे, राइट। इस साल कंप्लीट तो मैंने दोनों किए हुए हैं, हैंडराइटिंग भी ठीक ठाक है, पिछले साल से बेटर है, लेकिन मतलब ठीक है, समझ आ जाने चाहिए एग्जामिनर को अगर वो मतलब पढ़ता होगा तो। तो ओवरऑल देखो, अटेम्प्ट तो इस बार छूटा कुछ नहीं है, ऑप्शनल में भी नहीं और जीएस में भी नहीं। GS1 में बस एक 10 मार्कर वो फ्योर्ड वाला छूटा। तो मतलब यहाँ से लर्निंग ये भी है कि वो बहुत ही ज्यादा स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एक दो दो इस तरीके से डाले जा रहे हैं, जिनको आप प्रीलिम्स के लिए भी नहीं पढ़ते होंगे, समझ रहे हो। ये फ्योर्ड एक ऐसी चीज है, शायद आपने मतलब प्रीलिम्स के लिए भी नहीं पढ़ा होगा। कौन यार, नॉर्वे नॉर्वे साइड ये आपको फ्योर्ड ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये मेरा दोस्त बता रहा था। मैंने तो अभी भी नहीं पढ़ा, मुझे इतनी मैंने मतलब जरूरत नहीं की कि हाँ फ्योर्ड जा करके चेक कर लूंगी ये है एग्जैक्टली क्या। ये ऐसी चीज है कि मेन्स में पूछ ले बंदा 10 10 नंबर के लिए, 150 शब्द लिखने के लिए। तो ये कुछ एक ऐसे एक दो दो क्वेश्चन वो डालते ही हैं आपको, वो कंफ्यूज करने के लिए ही है। और ये ऐसे क्वेश्चन है गुरु जिसमें मैक्सिमम 2 से 3, शायद 3 से 4 या फिर इससे ज्यादा कोई बंदा इस तरीके के क्वेश्चन में मुश्किल से स्कोर करेगा, जिसका बहुत ही अच्छा जियोग्राफी ऑप्शनल वगैरह है वो उसमें कर भी लेंगे। इसके जो आए मैंने बाकी अटेम्प्ट तो फुल किया हुआ है इस बार। पिछले साल अराउंड 120 नंबर का इन टोटल मैंने छोड़ दिया था। इस बार मतलब ऐसा हुआ कि ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, पिछले साल लगभग 60 मार्क्स का मैंने अपने एथिक्स में छोड़ दिया था। 60 मार्क्स का तो छूट ही गया था वो एथिक्स में। इस साल एथिक्स पूरा करने के चक्कर में मैंने मतलब इतनी अच्छी स्पीड से वो किया कि 2 मिनट पहले एथिक्स खत्म भी हो गया, समझ रहे हो। पूरा तो हुआ ही हुआ, कंप्लीट भी हो गया 2 मिनट पहले, है ना। तो ये एक गजब की चीज थी कि यार एथिक्स आई वॉज होपिंग कि 60 से मैं ये रिड्यूस करके 20 नंबर तक ही छोड़ूं, मतलब एक केस स्टडी ही छोड़ दूं या 2 क्वेश्चन ही छोड़ दूं, लेकिन ये कंप्लीट भी हो गया और 2 मिनट पहले कंप्लीट हो गया। तो इस बार एथिक्स छोटा भी था और डायरेक्ट एक तरीके से जो केसेस पूछे हुए थे, केस स्टडीज। हाँ, और उन लोगों के लिए मैं आपको एक बात और जो मेरी अपनी लर्निंग है, लुक गाइस, मैंने इस साल कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, राइट। मतलब जो एक तरीके से जो आपके इनसाइट IAS, राइट,
इनसाइट्स आईएएस के जो 75 डेज का जो रिवीजन का उनका प्लान था, जिसमें वो डेली 5-6 क्वेश्चन स्टैटिक और करंट के डाले करते थे, मैं उसको डेली प्रैक्टिस भी करता था इनको। और इसके अलावा मैंने जितने भी पीवाईक्यू है, राइट, 2013 के स्पेशली 2013 तक के एथिक्स के पीवाईक्यू मैंने सारे लगाए हुए हैं, राइट, वो टाइम वाइज एकदम फुल टाइम फ्रेम में 3 घंटे में कंप्लीट करने की मैंने कोशिश की भी थी, राइट। तो इस तरीके से एथिक्स तो लगाया ही है, GS1 भी मैंने 2015 तक मैंने सारे किए हुए हैं, क्योंकि उसके पहले का पैटर्न अलग था उनका, तो 2015 तक GS1, GS2 मैंने पिछले साल किया था, और GS2 करने की मुझे जरूरत उतनी महसूस नहीं हुई, इस बार भी नहीं, क्योंकि मेरा ऑप्शनल PSIR है, तो GS2 मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। GS3 अगेन मैंने फिर 2015 तक प्रैक्टिस किया था। दिस वॉज माई प्रैक्टिस की इस साल की क्या थी। पिछले साल मैंने बहुत ही ज्यादा, मतलब कुछ भी कहीं से किसी की टेस्ट सीरीज, इसकी टेस्ट सीरीज, उसकी टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये इनसाइट वाला, ठीक है, अनअकैडमी वाला, हर चीज, मतलब जहां जहां मुझे लगा मैं बस प्रैक्टिस करता था। आंसर का कंटेंट मैंने पिछले साल उतना बिल्ड करने में फोकस नहीं किया था, राइट। मेन चीज अपनी ये थी कि आंसर में चीजें, आंसर राइटिंग मेरी टाइम से हो जाए। इस साल मैंने अभी तक ये डिफरेंट अपनी अप्रोच लाई है। व्हाई PYQs आर इंपॉर्टेंट, ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई आपको गुरु, बहुत सारे लोगों के आपने रिव्यू देखे होंगे अपने जो एथिक्स का पेपर था, राइट, जो एथिक्स का पेपर था उसके जो केस स्टडीज थी, राइट, तो केस स्टडीज में लोगों के रिव्यूज आपको अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे, राइट। आपको मतलब लोगों ने बताया होगा कि डिफरेंट पैटर्न है भाई, यूपीएससी ने क्या पूछ लिया, ये इस तरीके की केस तो ये पूछता ही नहीं था, वो तो डायरेक्ट पूछता था, इशू पूछ रहे हैं बार बार, ठीक है, और आपसे जो है एकदम ये रिकमेंडेटरी टाइप के केस स्टडीज है, आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए इसके रेजोल्यूशन के लिए, समझ रहे हो। तो इस तरीके GS टाइप की इन्होंने केस स्टडीज पर पूछी थी, जिन्होंने नहीं देखा तो देख लेना, राइट। अब गुरु ये नई चीज नहीं थी मेरे लिए, ये नई चीज नहीं थी, क्योंकि मैंने ना गुरु 2013 तक के ऑलरेडी PYQ लगा रखे हैं। और आप जब 2017 से पहले जाएंगे, 2017 से पहले की मतलब इसमें क्वेश्चन में एंट्री करना और देखना, आपको केस स्टडी एग्जैक्टली उसी तरीके की मिलेगी। एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट स्पेशली GS4 के लिए, मैं आपको कहूंगा एथिक्स के लिए, बिकॉज आई फाउंड मोस्ट ऑफ दोज केस स्टडीज, ऑल दो द कॉन्टेंट वॉज डिफरेंट, ठीक है, समझ रहे हो, कंटेंट वाज डिफरेंट, मतलब जो उसमें नाम वगैरह है, सुशीला का शीला कर दिया, ठीक है, इसका राम का श्याम कर दिया, उस तरीके से कंटेंट इन्होंने डिफरेंट किया हुआ था, बट दो थीम थी, थीम सेम थी। तो वो जो इशू है, मैंने तो भाई मतलब आप देखेंगे हर 3 साल बाद एक ही केस स्टडी रिपीट हो रही होती है, राइट, एक ही थीम पे, इनके एनवायरनमेंट की थीम है, ठीक है, एथिक्स की थीम है, डिजिटल एथिक्स की थीम है, साइबर एथिक्स की थीम है, उसी चीज पे केस स्टडी रिपीट हो रही होती है। और आप जब 2013 तक के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, आप पाएंगे कि एथिकल इशू जब भी आप लिखेंगे, एथिकल डायलमा जब भी आप लिखेंगे, तो हर 2-3 साल बाद वो रिपीट हो रहे होंगे, राइट। तो उसमें उतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी, उतना सोचना नहीं पड़ेगा, आप बस रियल एग्जाम में जब भी लिख रहे होंगे वो चीजें प्रोड्यूस हो रही होगी नीचे खुद ही, 5 एथिकल इशू आप एकदम दिमाग में सोच के लिख ही देंगे, राइट। तो इसलिए आपको PYQ पे रिसर्च करना इस पे जरूरी है, GS4 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मैं कहूंगा। दिस इज माई मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑफ दिस ईयर का मेंस, राइट। सो ये अपना GS4 वगैरह एथिक्स का मतलब और जो GS के आंसर्स हैं, ये ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। अगेन ऑप्शनल वालों के लिए, जिनका PSIR ऑप्शनल है, मैंने इस साल भी देखो अटेम्प्ट तो अगेन पूरा हुआ, लेकिन GS2 में एक आंसर मैंने फिर, अब ये भी एक लर्निंग है, राइट, GS2 में जो 10 मार्कर, सॉरी एथिक्स का पेपर 2, जो 10 मार्कर उसमें आते हैं, वो पहले 5-10 मार्कर में भाई मैं इतना इमोशनल हो गया कि मैंने उसमें 43 या 44 आई थिंक कितने मिनट लगा दिए 5 क्वेश्चन में, समझ रहे हो, 43-44 मिनट्स। अब क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ही टिपिकल थे, एनालिटिकल आए हुए थे, और भाई मुझे तो लगा कि यार मतलब मस्त लिखेंगे, एनालिटिकल है तो एकदम बेस्ट कंटेंट लिखेंगे इसमें, और मतलब इतने लंबे लंबे मैंने वो लिखे कि अगेन जैसा मेरा हर बार होता है आंसर, वो जो पेज नंबर होता है ना, जैसे पेज नंबर 7, इसके नीचे मेरा कंक्लूजन घुसा हुआ है, समझ रहे हो। तो इतने लंबे लंबे आंसर उनमें मैंने लिखे, और इतना टाइम उसमें चला भी गया था। तो टाइम मैनेजमेंट का सेकंड पेपर में मुझे इशू आया था, और मुझे लग रहा था कि एक क्वेश्चन मेरा 10 मार्कर छूट जाएगा,
लेकिन फिर 2 मिनट बचे हुए थे और क्वेश्चन था जो 10 मार्कर सेकंड पार्ट का था, आई थिंक इट वाज इनिशिएटिव इंडिया ने क्या क्या लिए हुए हैं कि हम जो है ग्लोबल साउथ की वॉइस बन सके। ठीक है, आई थिंक इस तरीके से था। तो जो हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट थी उससे इनडायरेक्टली वो उठाया हुआ था, राइट है। जिन्होंने आईआर कवर किया होगा उन्हें पता है ये वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट क्या है, इंडिया ने कब ये ऑर्गेनाइज की हुई है, वो सन भी उन्हें मालूम होगा कि सन फलाना ढिमकाना में ऑर्गेनाइज की है, समझ रहे हो। तो इवन महीना भी वो बता देंगे कि भैया फरवरी मार्च में हुई है, राइट। तो ये जो है वहां से ये क्वेश्चन उठाया हुआ था। तो मैंने इसमें नॉर्मली क्या होता है, ऑप्शनल में आपको पैराग्राफ वाइज चीजें लिखनी होती है, तो मैंने उसमें पॉइंट वाइज लिख दी 5-6 चीजें कि हाँ ये चीजें हैं, और 2 मिनट में उसको मैंने कंप्लीट किया भी है। तो आई होप मतलब ठीक है, 1-2 नंबर उसमें मिल ही जाएगा। उसमें 6 या 7 पॉइंट्स मैंने उसमें प्रोड्यूस किए हुए हैं। और दिस इज अ लर्निंग कि अगर आपके पास टाइम भी कम हो जाए तो डोंट हेजिटेट फ्रॉम आई मीन चेंजिंग योर अप्रोच, राइट। मान लो आपके पास 4 मिनट बचे हैं तो 2 क्वेश्चन करने हैं, इवन ऑप्शनल में भाई बना दो फ्लो चार्ट। वैसे ही नहीं होना यार, 4 मिनट में आपका वैसे ही कंप्लीट नहीं होना है एक आंसर, राइट। एक आंसर भी कंप्लीट नहीं होना है, तो उससे बढ़िया है कि दो एक आंसर इनकम्प्लीट करके 2 नंबर या 3 नंबर खींचने से बढ़िया है कि 2 आंसर इनकम्प्लीट किया जाए और उसमें 4 नंबर खींचे जाए, 5 नंबर खींचे जाए, राइट। सो दिस इज अनदर थिंग कि इवन अगर आप ऑप्शनल भी लिख रहे हैं तो डोंट हेजिटेट फ्रॉम बीइंग प्रैग्मेटिक एंड आई मीन एडेप्टिव अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, राइट। जिस जिस तरीके की आपकी कंडीशंस निकलती है। एंड एक चीज और कि मेंस की आप जो है प्रैक्टिस करो। मैं सभी को सजेस्ट करूंगा जो ऑनेस्टली 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, लुक ये किसी एक टॉपर का था, मैंने कहीं सुना हुआ ये टॉपर ने कहा था कि मेंस जो आपका निकलेगा, यूपीएससी जो आपका निकलेगा, वो आपका मेंस हो जाने और दिसंबर के बीच की आपकी जो तैयारी है यहां से आपका यूपीएससी निकलता है, राइट। इवन इवन जिन लोगों ने ये जो अब महीने है ना, अभी से लेकर के दिसंबर तक का महीना, ये जो महीने हैं इनको जो बंदा प्रोडक्टिवली यूज करेगा वो अगले साल मेंस निकालेगा, राइट। वो अगले साल मेंस निकालेगा, प्रीलिम्स का पता नहीं है, मेंस उसका अगले साल निकलेगा, राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होता है, मान लो अगर जैसे मैंने भी अभी मेंस दिया, अभी तो मैं एग्जॉस्टेड हूँ, राइट। तो 3-4 दिन मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो भी नहीं आएगी, ठीक है। तो आई रिमेम्बर, स्टिल रिमेम्बर कि आसाम से एक लर्नर है कोई, है ना, उन्होंने ये मुझे मैसेज भी किया था कि सर अप्रोच बताओ कि हाउ डिड यू अटेम्प्ट इन प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स में आपने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए थे, कि आई मीन आई एम स्कोरिंग अराउंड 110+, राइट, इन प्रीलिम्स 2023 जीएस, और पिछले साल भी मेरा स्कोर 117 था, राइट, जीएस में। तो उन्होंने बताया था कि व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, राइट। ये मुझे एक मैसेज आया था कि वो उस पे एक वीडियो आप बना सकते हैं, और वो 3 महीने से पेंडिंग है। मैं ये आगे कर ही रहा हूँ क्योंकि देखो उस पे वीडियो बनेगी लगभग 3 से 4 घंटे के, 2-3 वीडियो बनेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स पे, अगर वो एनालिसिस करना है कि हाउ डिड आई थिंक अपॉन द ऑप्शंस। तो वो अभी पोस्टपोन हो ही रही है वो वीडियोस, राइट। तो अभी वो अगर आएगी तो 3-4 दिन बाद ही आएगी, अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अगले 3-4 दिन मैं सही में लिटरली सो जाने वाला हूँ, मैं अब घर जाने वाला हूँ, राइट। अब ऐसा ही सबके साथ भी होता है, मैंने सबके साथ यहाँ पे बात भी की इस साल। तो हालांकि मतलब मेंस देने वाले काफी फ्रेशर्स थे इस साल, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो रिपीटेड मेंस दे रहे हैं। मेरे सेंटर में भी मतलब शायद हम 10-12 लोग ऐसे रहे होंगे जो मेंस रिपीटेड दे रहे हैं यूपीएससी का, या फिर नॉर्मली ऐसे हैं जिन्होंने 4 साल पहले मेंस दिया था और अब जाकर के वो 5वीं 6वें अटेम्प्ट में दे रहे हैं, राइट। तो इस साल का फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेशन बहुत ही कम है, राइट। बहुत लोगों का इस बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जिनसे भी हमारी डिस्कशन भी हुई, राइट, तो वो इसी इसी चीज पे इंडिकेट कर रहे थे कि भैया नॉर्मली क्या होता है, बंदा मेंस कंप्लीट हो जाने के बाद इवन अगर किसी ने मेंस लिखा हुआ है वो आराम से ठंडे बस्ते में बैठ जाएगा, अब नहीं करेगा वो गुरु तैयारी। अब उसने सोच लिया हुआ है कि मेरा मेंस निकलेगा और मेंस का रिजल्ट आएगा गुरु दिसंबर में, और मेंस एक ऐसी चीज है किसी को पता नहीं है आपका निकलेगा या नहीं निकलेगा, मुझे भी नहीं पता, राइट। मेरा सेकंड मेंस है, मुझे तो पता क्या, मुझे तो उम्मीद भी नहीं है कि निकलेगा, राइट। क्योंकि राइट आई नो कि ठीक है, अब मेरी जो प्रेजेंटेशन वगैरह स्किल्स है वो उतनी बेहतर नहीं है, राइट, भले ही मतलब कंटेंट हो सकता है ठीक ठाक लिखा हो, लेकिन अब
प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन वो भी मैटर करती है। अब कंप्लीटली आई डोंट नो कि यूपीएससी में मैटर क्या करता है, अब अपनी ओर से तो कर दिया हुआ है, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन नॉर्मली जो है वो इस पूरे मंथ्स को, राइट, ये जो सितंबर से लेकर के, सितंबर एंड से लेकर के दिसंबर तक का मंथ है, ये सारे लोग वेस्ट करते हैं, भले जिसका प्रीलिम मेंस निकला हो या जिसने मेंस नहीं भी दिया हो, राइट, जिसने मेंस दिया हो नहीं भी दिया हो, वो सारे लोग इसे वेस्ट करेंगे। वो आराम से बैठे रहेंगे, बोलेंगे कि ठीक है प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी दिसंबर के बाद ही करेंगे, या फिर राइट मेंस वाले बोलेंगे कि ठीक है अब ना एंजॉय कर लेते हैं, दिसंबर तक रिजल्ट का वेट करेंगे, हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर से प्रीलिम्स की उस टाइम तैयारी करेंगे। अब गुरु इस पूरी ड्यूरेशन में जो लोग मेंस की तैयारी करेगा ना, वो अगले साल फोड़ेंगे मेंस, राइट, क्योंकि वो इस ड्यूरेशन में लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, और लेटेस्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जो जो चीजें हैं उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना रहे होंगे, राइट, वो अपने नोट्स बना रहे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, अपने परसेप्शंस बिल्ड कर रहे होंगे। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यूपीएससी के इस साल के मेंस के देख लेना, मैंने इस बात को एनालाइज भी किया था पिछले 2-3 जो 2 पेपर के एनालिसिस किए हुए हैं, आपको लगेगा कि वो थीम्स बहुत जानी पहचानी है, बहुत जानी पहचानी थीम्स पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे एजुकेशन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्किल पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल पे, ह्यूमन रिसोर्स पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत जानी पहचानी थीम है। लेकिन क्वेश्चन को अंदर से देखना गुरु, ऐसे एनालिटिकल है कि आप ना, मतलब अभी अगर आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आप 3-4 पॉइंट से ज्यादा और जेनरिक पॉइंट से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे चीजें अपने दिमाग में। और जब तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हो तब तो आपका दिमाग और ही ज्यादा, मतलब एक तरीके से हैंगी हो जाएगा भाई, समझ रहे हो? तो इन सब चीजों से बचने के लिए परसेप्शन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। एनालिटिकल क्वेश्चन जब आ रहे हैं तो आपको उसका एनालिटिकल आंसर देना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट, और एनालिटिकल आंसर लिखने के लिए परसेप्शन बिल्ड करना जरूरी है, अपने परसेप्शन, अपना एक परसपेक्टिव बिल्ड करना। और वो अपना परसपेक्टिव बिल्ड होगा गुरु जितने ज्यादा आर्गुमेंट्स आप कहीं पे पढ़ेंगे, आर्गुमेंट्स को जानना, आर्गुमेंट्स को देखना, राइट। अब ये आर्गुमेंट्स आपको मिलते हैं एडिटोरियल्स में, एडिटोरियल इवन, राइट, एक लर्नर है, ठीक है, आई थिंक मोहित है ना, आई थिंक मोहित की बात है अगेन, कोई है मतलब जिन्होंने 2-3 बार मुझे कहा कि ये न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी होता है क्या? जरूरी है, अब के हिसाब से तो मेंस के लिए भी जरूरी है, राइट। तो जितने ज्यादा आप आर्टिकल पढ़ो, मैं तो इवन ये भी कहूंगा कि अगर आप जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट की ये जो मैगजीने हैं, मंथली मैगजीन, अगर इन चीजों को स्किप भी कर दो, लेकिन न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हैं, इनके जो एडिटोरियल्स हैं, इन्हें पढ़ना कभी स्किप मत करना, राइट, क्योंकि ये आपका करंट तो कवर कर ही दे जा रहा है, ये आपको जो है सोचने का एक तरीका भी बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको सोचना कैसे, आर्गुमेंट्स कैसे बिल्ड करने हैं। नाउ मेंस इज एन आर्गुमेंटेटिव, पिछले साल का भी आप मेंस देख लेना, ये अब आर्गुमेंट्स का खेल हो गया है, राइट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल पूछ रहे हैं, ये अब उतने, राइट, उतने अगर फैक्चुअल पूछ भी रहे हैं तो वो चंद्रयान जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ कि भैया हाँ इसके अंदर क्या है, सब कंपोनेंट क्या है, राइट। तो 2-3 ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, अदरवाइज द थिंग्स आर बिकमिंग मच मोर एनालिटिकल, राइट, देन एवर बिफोर, राइट। सो ये है मेरा अपना टेक, राइट, फाइनल टेक, एंड ठीक है, अब अपने हिसाब से कर दिया यार, मैं खुशी इस बात की है कि पिछले साल की तरह, मतलब इतना ज्यादा मैसिव चीजें छूटी नहीं है, समझ रहे हो? इतनी इतने मार्क्स का छूटा नहीं है, 10 ही नंबर का छूटा है, और वो भी इंटेंशनली छोड़ा है, उसमें भी 2 मिनट मेरे पास बचे हुए थे, वो इंटेंशनली छोड़ा है कि हाँ होना ही नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था यार कि फ्यूड क्या होता है। सो दिस इज इट, आई होप इस चैनल का कुछ एक कंटेंट आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत मदद कर पाएगा, राइट। आप जाकर के देख सकते हैं, नीचे नीचे जाकर के जब आप स्क्रॉल करेंगे, अगर किसी को इकोनॉमी समझ नहीं आ रही है तो प्री इकोनॉमी करके इसकी एक सीरीज बनी हुई है, आप जाके देख लेना, 14-15 वीडियो है ग्रो, ठीक है, और वहां से उन 14-15 वीडियो से आई होप जो इन्फ्लेशन वगैरह के और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है थोड़ी बहुत क्लैरिटी आएगी, जाकर के देख लेना। और रेगुलर जो वीडियोज हैं, 5-6 दिन बाद चीजें आना थोड़ा स्टार्ट होगी इस चैनल में, राइट। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, और 2-3 दिन बाद आई एम प्लानिंग फॉर मतलब, और देख रहा हूँ कहीं अगर ट्रिप वगैरह हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद ही देखेंगे। एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन मी ऑन अन अकेडमी, अभी तो आई एम नॉट टेकिंग एनी क्लासेस, देखते हैं बनता है तो
एक बार फिर से वहां पे रिस्टार्ट करेंगे। यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, आपको टेलीग्राम का चैनल जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल एंड कीप प्रिपेयरिंग आर्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग विद अ लॉट ऑफ जॉय एज वेल। स्माइल, नहीं ये नहीं, स्माइल, आप बहुत करीब है। टेक केयर, बाय बाय।